जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं बेरिच रिडक्शन। तो आइए शुरू करते हैं बेरिच रिडक्शन रिएक्शन। एल्काइन्स एंड एरोमेटिक रिंग्स आर रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम और सोडियम और पोटेशियम मेटल इन एल्कोहलिक लिक्विड अमोनिया टू गिव ट्रांस एल्कीन एंड 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन। बेरिच रिडक्शन में एल्काइन और एरोमेटिक रिंग को रिड्यूस किया जाता है, एल्काइन को रिडक्शन के बाद ट्रांस एल्कीन में और एरोमेटिक रिंग को 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन में कन्वर्ट किया जाता है। जब गिवन एल्काइन या एरोमेटिक रिंग को आप मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सोडियम पोटेशियम या लिथियम में से किसी एक को एल्कोहलिक लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे गिवन 3 एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। इनमें से पहला जो है वो हमारा एल्काइन का एग्जाम्पल है और दो जो नीचे के हैं सेकंड और थर्ड वो एरोमेटिक रिंग के हैं। यहाँ पर देखिए बेरिच रिडक्शन कंडीशन हमने मेंटेन किया हुआ है। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो हमारा गिवन एल्काइन है उसका पार्शियल रिडक्शन होता है क्योंकि वो एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्ट होगा और फर्दर रिड्यूस नहीं होता है। और जो बनने वाला एल्कीन होता है ये हमेशा ट्रांस एल्कीन रहेगा, याद रखिएगा। ट्रांस प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिलता है रिडक्शन के बाद। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिया हुआ है, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम मेटल को एल्कोहलिक अमोनिया सॉल्यूशन में लिया हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आप देख सकते हैं कि बीच रिडक्शन में जो रिडक्शन हो रहा है वो 1 और 4th पोजीशन पे हो रहा है। तो जो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है वो 1/4th पे हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन। क्लियर है आपको? अब ऐसा क्यों होता है ये हम लोग मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, हमने नेफ्लिन लिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम लोग बेरिच रिडक्शन कंडीशन मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे मैं नंबरिंग करूँ तो 1, 2, 3, 4 तो आप ही बताइए कि रिडक्शन कहाँ हुआ है। सर, 1st पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे। तो याद रखिएगा कि अगर आपका एल्काइन है तो वो ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट होगा और अगर आपने एरोमेटिक रिंग लिया हुआ है तो जनरली वो 1 और 4th पोजीशन पे रिड्यूस होता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ बेरिच रिडक्शन की। रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय रेडिकल एनायन मैकेनिज्म। बच्चों आप देखेंगे कि रिएक्शन के अंदर जो बनने वाला इंटरमीडिएट होता है वो रेडिकल एनायन होता है जिसके जरिए ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। ये रिएक्शन बच्चों 3 स्टेप में होती है। तो आइए देखते हैं पहला स्टेप। Step 1, फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन ऑफ सोल्यूटेड इलेक्ट्रॉन विच एक्ट एज रिडक्टेंट। तो बच्चों जब सोडियम मेटल को अमोनिया सॉल्यूशन में डालते हैं तो रिएक्शन बहुत फास्टली होता है और हमको ब्लू कलर का एक इलेक्ट्रॉन सोल्यूटेड मिक्सचर मिलता है और ये हमारा यहाँ पर रिडक्टेंट का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। टू, जनरेशन ऑफ रेडिकल एनायन। बच्चों इस स्टेप में हमारा रेडिकल एनायन बनता है सोल्यूटेड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। बच्चों हम लोग यहाँ पर एरोमेटिक रिंग और एल्काइन एग्जाम्पल मिलेंगे। पहला हमने एल्काइन लिया, आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा सिमेट्रिकल एल्काइन है। तो यहाँ पर जो कार्बन होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो किसी समय जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन पे मूव करेगी तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा ये कार्बन कार्बन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको? और बच्चों इस कार्बन पे डेफिशिएंसी क्रिएट होगी तो सोल्यूटेड इलेक्ट्रॉन मिक्सचर से इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा और ये रेडिकल कार्बन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर सोल्यूटेड इलेक्ट्रॉन के आने से आपका एल्काइन रेडिकल एनायन में कन्वर्ट हो गया है। ये देखिए कार्बन आयन और कार्बन रेडिकल दोनों एक साथ बन रहे हैं और यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये एक दूसरे को हाईली रिपेल करते हैं, रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट अपने आप को ट्रांसफॉर्म में, ट्रांस कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट कर लेता है। कि ये हमारा रेडिकल एनायन जो है वो ट्रांस या एंटी कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब ये लोन पेयर और रेडिकल में काफी डिस्टेंस है तो यहाँ पर जो रिपल्सन होगा वो मिनिमम होगा, एनर्जी कम हो जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी इस वाले रेडिकल एनायन से ज्यादा होगी।
अब बच्चों हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल में हम लोगों ने एरोमेटिक रिंग लिया हुआ है। आप जानते हैं बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंजुगेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर किसी समय यहां पर आएगी तो उसी समय यहां पर सोल्विटेड इलेक्ट्रॉन ये यहां से इस वाले डेफिशिएंट कार्बन पे मूव कर जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है तो ये कार्बन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस पर सिंगल इलेक्ट्रॉन गया है तो ये कार्बन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सोचिए एडजेसेंट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है रेडिकल की और एनायन की, तो ये आपस में रिपेल करेंगे, ये लेस स्टेबल होगा। और एक सबसे खास बात ये कि जो यहां पर ये कार्बन आयन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये रिंग के कॉन्जुगेशन का एक पार्ट है, जिसकी वजह से ये यहां पर कॉन्जुगेशन शो करेगा और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां चली जाएगी और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां स्विच कर जाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा और यहां पर कार्बन आयन बनेगा कुछ ऐसे। तो ये देखिए हमारा रेडिकल आयन यहां पर कन्वर्ट हो गया है। अब थोड़ा ध्यान कीजिए कि यहां पर रेडिकल और कार्बन आयन जो है वो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे हैं। क्या ये क्लियर है आपको? तो ये फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे हमारे रेडिकल एनायन हैं और ये मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा रेडिकल है वो भी कॉन्जुगेशन का एक पार्ट है और जो हमारा कार्बन आयन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी कॉन्जुगेशन का पार्ट है। इसीलिए यहां पर एरोमेटिक रिंग में वन और फोर्थ पोजीशन पे जनरली रिडक्शन होता है। अब लेते हैं बच्चों थर्ड स्टेप, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एल्कोहलिक प्रोटॉन फॉलोड बाय रेडिकल एनायन फॉर्मेशन। इस स्टेप में हमारा जो रेडिकल एनायन बना है, चाहे वो एल्काइन से बना हो या फिर आपका एरोमेटिक रिंग से बना हो, वो एल्कोहल से प्रोटॉन को लेगा और रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। आइए जानते हैं कैसे। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एंटी कॉन्फ़िगरेशन लिया है रेडिकल एनायन का, जो हमने स्टेप टू में बनाया था। आप जानते हैं कि एल्कोहल जो होता है वो पोलर इन नेचर होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और आपका ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आता है। जो ये आपका कार्बन आयन है ये यहाँ पर इस एच के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड कुछ ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। अगले स्टेप में सोल्विटेड इलेक्ट्रॉन मिक्सचर जो स्टेप वन में था वहां से इलेक्ट्रॉन आएगा और ये कार्बन रेडिकल जो है कार्बन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों अगले स्टेप में जो हमारा कार्बन आयन है ये फिर से हमारे एल्कोहल के प्रोटॉन को लेगा और यहाँ पर ये एल्कोक्सी जो है ये बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये एच यहाँ पे कंबाइन होगा जिससे हमको मिलेगा ट्रांस एल्कीन। क्या ये आपको क्लियर है? तो बच्चों स्टेप थर्ड में हमको क्लियर हो गया कि ट्रांस एल्कीन कैसे बनता है किसी भी गिवन एल्काइन से। हम लोग बात कर लेते हैं हमारे रेडिकल एनायन ऑफ एरोमेटिक रिंग। यहाँ पर जो हमारा एनायन है ये आपको पता है, ऊपर देखा था आपने, एल्कोहल के प्रोटोन के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो देखिए यहाँ पे एच आ गया और यहाँ पर निकल जाएगा आपका एल्कोक्साइड एनायन। जो आपका रेडिकल एनायन था वो कन्वर्ट हो चुका है कार्बन फ्री रेडिकल में, ये सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लेके रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन आयन में, और कार्बन आयन फिर से आपके एल्कोहल के प्रोटॉन को ले लेगा कुछ इस तरीके से, एल्कोक्साइड आयन बाहर निकल जाएगा, एच यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। तो ये देखिए कि आपका वन और फोर्थ पोजिशन पे रिडक्शन हुआ है एरोमेटिक रिंग का और ये बन गया है आपका 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन। क्या ये क्लियर है आपको? जो अब यहाँ पे एक नोट है ये आपको याद रखना है, देख पा रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूट बेंजीन है, ये हमारी ब्रिज रिडक्शन रिएक्शन कंडीशन है। तो ब्रिज कंडीशन लगाने पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं रिडक्शन होने के बाद। कहाँ पे फर्क होगा हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि किसमें ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और किसमें ये वाला बनेगा? तो यहाँ पे जो भी क्रूशियल रोल है बच्चों वो आर का होता है कि सब्स्टिट्यूट बेंजीन में कौन सा ग्रुप लगा है। आप जानते हैं ग्रुप जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो यहां पर बहुत कुछ डिपेंड करता है एरोमेटिक रिंग के अंदर की ग्रुप कौन सा लगा है। बच्चों ये वाला प्रोडक्ट जो आप देख पा रहे हैं ये आपको तब मिलेगा जब आपका रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, और ये वाला प्रोडक्ट आपको तब मिलेगा जब आपकी रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन को अंदर देगा, तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। तो बच्चों ये कुछ कॉमन एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, मिथाइल इथाइल मिथोक्सी ये ग्रुप जो है हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसके अलावा और भी ग्रुप होते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आप जानते हैं आपका एल्डिहाइड ग्रुप, आपका नाइट्रो, आपका कार्बोक्सिलिक, आपका कीटोनिक, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रमोट्स ऑर्थो मेटा रिडक्शन एज दे स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन।
आपने मैकेनिज्म में देखा था कि रिएक्शन के अंदर रेडिकल एनायन बनता है, तो जब आपके बेंजीन रिंग पे कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उससे आपके बनने वाले रेडिकल एनायन की जो स्टेबिलिटी होगी वो ऑर्थो और मेटा पोजिशन पे वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए जो वहां पर रिडक्शन होने वाला है वो भी ऑर्थो और मेटा पोजिशन पर ही होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रमोट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट इप्सो एंड पैरा पोजिशन, सो दे फेवर रिडक्शन एट इप्सो पैरा पोजिशन। बच्चों अगर आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो मैकेनिज्म में आपने देखा था कि रिएक्शन प्रोसीड्स वाया रेडिकल एनायन मैकेनिज्म, तो यहाँ पे जो रेडिकल एनायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी इप्सो, ये वाली इप्सो पोजीशन और बच्चों ये वाली पैरा पोजीशन पे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है फॉर्मिंग रेडिकल एनायन की, डेट्स वाई रिडक्शन अकर्स एट इप्सो एंड पैरा पोजीशन व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके बेंजीन रिंग पे कैसा ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला या फिर लेने वाला, देने और लेने वाले से प्रोडक्ट की नेचर चेंज हो जाएगी। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपके लिए लाए हैं तोहफा और तोहफा आप जानते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो बच्चों आज आपके लिए हम लोग यहाँ पर 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं, लेकिन आपको अभी यहाँ पे करंटली 3 दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे आप इन तीनों को ध्यान से देखिए। ये हमारा मिथोक्सी बेंजीन है, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, ये हमारा मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन है, क्लियर है आपको? और ये कंडीशन आप जानते ही है, ये बीच रिएक्शन कंडीशन है, यहाँ पे रिडक्शन होगा। बस आपको ये पहचानना है कि आपका जो ग्रुप है उसकी नेचर कैसी है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अभी आपसे डिस्कस किया था तो आप इजिली प्रोडक्ट को गैस कर पाएंगे क्या बनेगा। अब 2 एग्जाम्पल और बचे हैं, उनको भी नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये हमारे 2 एग्जाम्पल और हैं, तो कुल मिला के आज प्रैक्टिस प्रॉब्लम में 5 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। इनको पॉज कीजिए, बनाइए और बताइए कमेंट सेक्शन में आपका क्या बना। अगर आपको डाउट आता है तो उसके आंसर के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा।